अवैध महुआ शराब के कारोबारियों के खिलाफ एक बार फिर उत्पाद विभाग ने शिकंजा कसते हुए बलियापुर के जोगनकुचा में छापेमारी कर लगभग हजारों लीटर जावा महुआ शराब को जब्त किया। पुलिस ने तैयार जावा महुआ को जोगनकुचा के जोड़िया में बहाकर नष्ट कर दिया। बताया जाता है कि उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली कि जोगनकुचा के जंगल में अवैध महुआ शराब बनाई जा रही है। उत्पाद विभाग ने जंगल में काफी खोजबीन किया तो पता चला कि शराब कारोबारी जमीन के नीचे गाड़कर धंधा कर रहा था। इस पर पुलिस ने जलते भट्टी को ध्वस्त कर दिया और हजारों लीटर महुआ शराब को पकड़ा। गैलन में भरे शराब को पास के जोड़िया में बहा डाला, साथ ही गैलन को फोड़कर जोड़िया में बहा दिया। उत्पाद विभाग के इस कार्रवाई से शराब के अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। छापेमारी का नेतृत्व कर रहे उत्पाद विभाग के SI राहुल कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यहां पर छापेमारी किया गया। जोगनकुचा के जोड़िया किनारे अवैध महुआ शराब खुलेआम बनाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि शराब को जोड़िया में बहाकर नष्ट कर दिया गया है। वहीं लगभग 100 से 200 डब्बे को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अवैध कारोबारियों के खिलाफ हमारा अभियान लगातार जारी रहेगा। जोगनकुचा में कौन सा थाना क्षेत्र पड़ता है सर? ये थाना क्षेत्र पड़ जाएगा आपका बलियापुर। क्या क्या नष्ट किया गया सर यहाँ पर? महुआ, हाँ महुआ लगभग आपको देख रहे हैं 100 डब्बा से, एक डब्बा गैलन जो है 30 लीटर के अप्रोक्स का है। सहायक उत्पाद धनबाद के आदेशानुसार गुप्त सूचना के आधार पर सुबह हम लोग 8:30 बजे से यहाँ पहुँचे हुए हैं, ठीक है, और लगभग 100 गैलन से ऊपर अभी हम लोग इसका विनिष्टीकरण कर चुके हैं। अच्छा, किनका सर था, क्या भट्टी तोड़ा गया सर? कम से कम 8-10 भट्टी तोड़े हैं हम लोग। किनका सर पता चल पाया कि किनका है ये भट्टी? राहुल रवानी कर गुप्त सूचना पे हम लोग को नाम पता चला है, राहुल रवानी नाम है चलाने वाले भट्टी के। अच्छा, मालिक का। अच्छा, उन लोगों के खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाए? तो अभी सूचना मिल जाने के कारण वो लोग देख ही रहे हैं, चूल्हा अभी तक जल रहा है। जी, वो लोग आने के बाद देखकर भाग गए हैं हम लोग को, तो उनको फरारी केस किया जाएगा उनके ऊपर। अच्छा, और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी पूर्ण रूप से। ठीक है, धन्यवाद सर।